لا দাদা সর্বনাশ, দাদা সর্বনাশ, চলো বোর্ড কি চলো, চলো মানে লেটস গো, চলো চলো আগে বেড়ো, কাম অন মাধু, মুভ ইট, ফলো মি মাধু। Nice and easy. That's nice. Who's a good boy? Come, come. Have it. Have more. You want more? Nice. Who's a good boy? You're my good boy. Mr. Older. Warren, ma'am. Warren, madam. You are not going to believe this. हजार टाइगर्स में से एक वाइट टाइगर का जन्म होता है एंड वो आज हमारे साथ है। टेक अ लुक, आइए। कैन यू बिलीव दिस, सुंदरबन में एक वाइट टाइगर कब, जस्ट लुक एट इट, अमेजिंग। वाइट टाइगर्स की साइटिंग के बारे में आज तक बस सिर्फ सुना ही। क्यूट। तुम्हें सुंदरबन टाइगर रिजर्व में फोटोग्राफी करने की परमिशन मिली है। इस व्हाइट कप को अपने साथ ले आने की परमिशन किसने दी? गार्ड्स! एक मिनट। अरे एक तरफ पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही है सेव द टाइगर, और आज जब मैंने इस व्हाइट टाइगर कप को बचाया तो आप कह रहे हो ये इलीगल है। अरे इलीगल काम तो उन लोगों ने किया था जिसने इस बेचारे को व्हाइट ट्रैप में फंसाया था। मैंने तो उसकी जान बचाई है। इफ यू वांट टू कैच समबडी, आपको उन पोस्टर्स को पकड़ना चाहिए। मेरी ड्यूटी क्या है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। चलो आप लोग इसे नहीं ले जा सकते। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। अरे डैम इट, This is wrong! Damn it! Sundarban Diaries डे 33। गलत कौन है, ये पोचर्स जो टाइगर्स को मारते हैं या वो लोग जो उनकी लाश खरीदते हैं? आज मैंने एक वाइट टाइगर कब को बचाया। उस बेचारे को जाल में फंसाया गया था ताकि कोई बुजदिल उसकी मां को मार सके, और जब उस बच्चे को मैं गांव में लाया तो गांव वाले उसके खून के प्यासे हो गए। बाघ से ज्यादा बाघ की साय से घबराते हैं यहां के लोग।
लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल उस कब की मां के साथ है। सारा जंगल खोज रही होगी अपने बच्चे के लिए। लाश कहाँ है? अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? बोलो, चुप क्यों हो? सुंदर वंश के बारे में जानते ही क्या हो तुम? 4,264 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है जंगल, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में समाया हुआ। अगर वो तुम्हारे भाई की लाश को लेकर बड़ी नदी पार यानी बांग्लादेश पहुंच गई हो तो हाँ, सरहद की परवाह तो होती नहीं जानवरों को, ना ही उन्हें पासपोर्ट या वीजा की जरूरत पड़ती है। क्या करते हम? कब तक पीछा करते रहेंगे हम उसका? और सुंदरबन में वही लोग जा सकते हैं जिन्हें इन कनाल्स और जंगल की नॉलेज हो, बाहर वालों को परमिशन नहीं मिलती। अगर आप उसी वक्त अपना काम करती और एक हंटिंग पार्टी भेजती तो मुझे आपकी ये बातें नहीं सुननी पड़ती और ना ही आपको ये भाषण देना पड़ता। मिस्टर सिंह, आई एम हियर टू सेव द टाइगर, नॉट किल इट। अरे सदियों से यहाँ पर जानवरों पर अन्याय होता आया है। सुंदरबन इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके रिजर्व में दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर्स बचे हैं और उनका सर्वाइवल मेरी जिम्मेदारी है। 1973 में फॉर्म किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यहाँ के टाइगर्स को एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज डिक्लेयर किया गया है। इन्हें मारना इलीगल है। क्या इंसान को मारना इलीगल नहीं? उसने मेरे भाई को मार डाला, वो इलीगल नहीं? आप सिर्फ एक मैन ईटर को बचाना चाहती हैं। ये तुम्हारी एक और गलत फहमी है। सारे टाइगर्स मैन ईटर्स नहीं होते, सिर्फ सेल्फ डिफेंस में अटैक करते हैं। सुंदरबन बाघ का घर है। मान लो अगर कल तुम्हारे घर में घुसकर तुम पर कोई अटैक करे तो सामने से सेल्फ डिफेंस में तुम उस पर अटैक नहीं करोगे क्या? हाँ मिस्टर सिंह, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। द केस इज क्लोज्ड। क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन द केस इज क्लोज्ड? मेरे भाई की क्या गलती थी? अरे उसने तो उस बाघ के बच्चे को पोचर से बचाया ना, उधर बेकसूर था। सर जी, उदय दादा का सामान बांध दिया है, मैं उनका गाइड हूं। क्या चाहते हो?
कितना आसानी से उबागेन आपके भाई को उठाकर यहां से घने जंगलों में चले गए पंडित। तुम्हें मेरे कॉल साइन के बारे में कैसे मालूम? सर जी, दादा आपकी ढेर सारी बातें किया करते थे। उन्होंने ही मुझे बताया था कि आप आर्मी में कमांडो हैं। श्योति बोल जी, उदय दादा मेरा गुरु भी था और दोस्त भी। अच्छा, साथ निभाया तुमने। उदय ने तो उसके बच्चे को बचाया था ना, उसमें उदय का क्या कसूर था? इतना समझ अगर जानवर में होता तो इंसान का कीमत कौन करता? सब मानते हैं कि बॉन्डी भी जंगल की देवी है। सिर्फ तुझे सबक सिखाना चाहती हूँ। जब मेरे बच्चों ने तुझे कोई तकलीफ नहीं दी तो दुख क्यों रे सता रहा है? यहाँ का नौजवान जंगल से लकड़ियां काटने या मछलियां पकड़ने के लिए रिजर्व टेरिटरी में घुस जाता है और वहां बेचारा टाइगर अटैक में। यहाँ पर इतनी सारी विधवाएं हैं कि उन्होंने अपना एक अलग बस्ती बसा लिया। अक्सर यहाँ लोग बाघ का शिकार हो जाते हैं। अरे कई सालों में तो 100 से ज्यादा किलिंग्स रिकॉर्ड हुई हैं। तो आप मुझे हिदायत दे रही हैं कि मैं अपना सामान बांध के यहाँ से चला जाऊँ? जहाँ पर अटैक हुआ था ना, उस जगह को बहुत अच्छी तरह से छान मारा है हम। इसलिए तुम्हारे भाई की बॉडी का मिलना तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन उसके पैरों के निशान चढ़ते पानी के साथ मिल गए। मुझे मेरे भाई की लाश चाहिए ताकि मैं उसकी अंतिम क्रिया कर सकूं। मेरे भाई की क्या गलती थी? अरे उसने तो बाघ के बच्चे को पोषण से बचाया ना। सिर्फ तुझे सबक सिखाना चाहती हूँ, सबक सिखाना चाहती हूँ। उदय सिंह, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, मेरा छोटा भाई था। मैं सफेद बाघिन को मारना चाहता हूँ। बाघिन के शिकार के लिए आपको 3 चीजों का जरूरत पड़ेगा। बहुत सारा हथियार, एक जानकार ट्रैकर और एक टीम। बाघिन बहुत चालाक है, कैनाल से पीछा करते करते उदय दादा के घर तक पहुंच गई। सुंदरबन में कोई अकेला नहीं जाता है, चाहे वो मछली मार हो, लकड़हार हो या मधुकोश से मधु निकालने वाला। टोपोग्राफी, करीब 102 आइलैंड है यहाँ पे। हर 6 घंटे में जब पानी ऊपर चढ़ता है तो जमीन का 30% हिस्सा उसके नीचे चला जाता है। वेदर कंडीशंस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर अपने हार्ट रेट को काबू में रखोगे और अपने शरीर को योगी की तरह शांत भी कर लोगे तब भी पसीना आना नहीं रुकेगा। और चीना, तुम्हें जान के खुशी होगी, यहाँ पे ना तो मच्छर है और ना ही लीचेस। सुंदरवन खारे पानी में बसा हुआ है। एक बात समझ लो, ये मेरा पर्सनल मिशन है। अगर किसी को कोई आपत्ति है और इस मिशन पे नहीं आना चाहता है, दिस इज द टाइम टू लीव। इतनी सुबह सुबह तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले यही बात आते हैं? बिकॉज आई एम ऑलवेज राइट। व्हाटएवर। या बेबी। सीजे, हीरो, आर्गुमेंट बंद करो। टेल हिम नॉट टू स्टार्ट दिस अगेन। चलो।
सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हमारा भी छोटा भाई था और हम सब तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं। तो यहां तो जान लेने की बात है पंडित, वो भी एक जानवर की। फिर भी सूफी, एक बोझ सा महसूस होता है। खामखा तुम सबको मुसीबत में डाल रहा हूं। कम होने, दोस्ती कभी मुसीबत नहीं होती और बिना चाहत कोई ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। तू अपनी जिंदगी में हमारी मौजूदगी को यूं कभी बेवजह मत समझना, क्योंकि पल की आंखों पर कभी बोझ नहीं होती। ऑलवेज अ टीम कैप्टन। श्योर। झुंपा है हमारी ट्रैकर। कश्मीरी, ये जलपरी कौन है भाई? पता नहीं है। जंप लगाकर आई झुंपा। इसको कुछ समझा गंजे? जैसे दो इंसानों की उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं होते, वैसे टाइगर्स के पग मार्क्स भी कभी एक समान नहीं होते। ओए सीजे, आजा पानी में चिल कर ले, आजा। How can I get clean with that dirt bag in the water? और तू कौन सी हुर परी है? 10 दिन से नहाई भी नहीं। भाई, जंगल से ज्यादा खतरा तो हमारे शहरों में है। उदय, तू अपनी फिलोसफी एक डायरी में लिखा कर, ना तो मुझे तेरी बातें समझ आ रही हैं और ना ही याद रहेंगी। ओए जंप लगा के आई झुंपा, कितनी दूर और? खोदा जंगल और निकली पोटी। ओए गंदे, क्यों गंदे साथ खेल रहा साले तू? ये पत्ते के पीछे क्यों पड़ी है यार? ये केवड़ा के पत्ते हैं। अगर मेरे हाथ इन तक नहीं पहुंच सकते तो हिरन भी इन तक नहीं पहुंच सकते। अगर हिरन यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब
टाइगर भी यहाँ पर नहीं है। Okay, you know what? I've had enough of this. I'm done talking to you. देख सीजे, बात तूने शुरू की थी सुबह। समझी? अब मान क्यों नहीं लेती? जो सूद ने किया, ठीक किया। He took a right decision. Oh yeah. दादा, oh दादा। तुम लोगों को टाइगर के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं? सर जी, झुम्पा सुंदरबन की नंबर वन ट्रैकर है। आज तक जो भी डॉक्यूमेंट्री बनाने आया है, इसने टाइगर दिखाया। दोनों नेताओं पर गोली चलाऊंगा और गोली लगने से पहले ही गायब। कश्मीरी, तू बाप बनने वाला है, तेरी कोई अपनी जिंदगी बच्चे के लिए जीनी है। ये सब फिजूल के ख्याल दिमाग में मत ला। कोई और बोलता ना, मैं मजाक समझ लेता, लेकिन तेरी जुबान से निकले शब्द और बंदूक से निकली गोली में फर्क नहीं है। समझा मेरी बात? बच्चे, परिवार, यही सोचकर सारा हिंदुस्तान ना बोल सकता। CJ, सूद ने बिल्कुल ठीक किया था, ओके? I don't care what you have to say. Sood was wrong and that's final. Oh, no, 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 no. Sood was right and hero is always right. Hey guys. What? Time out. That's fine. तुम दोनों ना तो सही हो और ना ही तुम लोग गलत। तुझे क्या लगता है कि सेंट्रल नेवल कमांड को पता नहीं था कि उस रात मुल्ला का शिप डूब गया और सारे सेलर्स पानी में? हाँ? और याद रहे, 1971 की जंग में ऐसे बहुत सारे फैसले थे जो क्वेश्चनेबल थे। सीजे, जस्ट स्टॉप दिस आर्गुमेंट। चलो ना यार, ये नहीं समझेंगे। और हीरो, तू भी चुपचाप काम कर। सूफी, हाँ पंडित, झुम्पा कहाँ है? झुम्पा यही तो थी। चीना, लेट्स गो, ऑन मी। रमसे पाजी, झुम्पा कहाँ गई? जंप लगाकर कई झुम्पा। किंतु वो बागिन को फंसाने के लिए इसमें बैठ गया। नहीं 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 नहीं
सर जी, नहीं 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 सर जी, मधु नहीं नहीं, अभी तो मेरा शादी भी नहीं हुआ, ऐसे नहीं मिलेगा। मधु सर जी, अभी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन जो मैं तुमसे कहूं तुम वही करना, उसके अलावा कुछ नहीं, समझे? मधु मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारी मौत टाइगर के जबड़ों में नहीं होगी, ओके? चीना चला जा। ओए खोते, कुछ नहीं होगा तुझे, है तो वो एक जंगली बिल्ली, इस सवार को ट्रिप मत करना, और एक बात अपने ध्यान में रखना, जैसे वो बाघिन तेरे पीछे अंदर आई, उस सवार को ट्रिप करके भागेगा तू, उधर पिंजरा बंद, इधर बाघिन पिंजरे में बंद, चल अंदर। दादा इसमें से बाघिन को कुछ नहीं मिलेगा। ओए लेकिन हमें तो बाघिन मिल जाएगी। ओए चल अंदर, कुछ नहीं होगा तुझे। ऐसे फंसेगी। I don't know. There's no sign of her. परफेक्ट ट्रैप। समझ में नहीं आता इतनी मजबूत बांबू के ट्रैप को इतनी आसानी से तोड़कर कैसे निकल गई। ताश के पत्ते की तरह बिखेर दी। ये किस जानवर से पाला पड़ा है यार? जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली निकली वो। अगली बार और भी सावधानी बरतनी पड़ेगी।
ये लोग यहाँ व्हाइट टाइग्रेस की शूटिंग करने नहीं, उसको शूट करने आए हैं। तुझे पैसे का जरूरत है ना तुझे पैसे का जरूरत, बोल तू। इनको अच्छे ट्रैकर का, अच्छा ट्रैकर। हाँ मैं ट्रैकर हूँ, टाइगर्स को ट्रैक करके डॉक्यूमेंट्री बनाने में मदद करती हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि पूरी दुनिया सुंदर बन के इस प्राणी की सुंदरता को देख सके। टाइगर्स को मारना गलत है दादा। तुझे वापस जाना है तो जा, किंतु एक बात याद रख, तेरे वापस जाने से इनका मिशन चेंज हो बे ना, सोच ले। मगर दादा तुम क्यों इनकी मदद करना चाहते हो? सर जी, एक चीज समझ में नहीं आ रही। हम सब थे वहां पर, वो हमें से किसी पर भी वार कर सकती थी, उसने तुझ पे ही वार क्यों किया? और तू तो सबसे पीछे खड़ा था। ये खून का निशान, चोट लग गया तुझे? नहीं सर जी, ये खून का निशान मेरा नहीं है, ये उस बागिन के बच्चे का जिसे उदय दादा ने बचाया था। टाइगर्स की सूंघने की शक्ति हम इंसानों से 10 गुना ज्यादा होती है, और खास तौर से दुश्मनों के लिए। प्रॉब्लम क्या है इसकी? वो सर जी, वो मैंने झुंपा को आपके मिशन के बारे में नहीं बताया। तो वो टाइगर्स को मारने के खिलाफ है। खिलाफ है? लेके जाओ इसे अपनी विधवाओं की बस्ती में, और दिखाओ इसे उन औरतों की जिंदगी कैसे खराब हो चुकी है, कैसे जीती हैं वो। अब समझाओ इसे कि तुम्हारी देवी उनके पति, उनके बाप और उनके भाइयों का कुछ नहीं कर पाई। फिर पूछ अपनी झुंपा से, अभी भी टाइगर मारने के खिलाफ है? सर जी, झुंपा की मां तो वहीं विधवाओं की बस्ती में रहती है। अगर मैं कच्चे पके रास्ते पे को उस बोर को घेर के ना लाता तो तू कैसे मारता उसको? और बेटा तूने कार रेसिंग देखी है? उसके अंदर सारा क्रेडिट ड्राइवर को मिल जाता है, और नेविगेटर जो होता है वो ही तो उसको सब कुछ दिखाता है। मैं नेविगेटर हूं बेटा, इसलिए तुझे सब कुछ दिखा रहा हूँ, फॉलो मी। अबे गंजे, हम यहाँ किसी कार रैली में नहीं आए हुए, टाइगर्स को मारने के लिए आए हैं। और टाइगर्स को तो मैं एक दो गोली में करके मार दूंगा, समझा? कश्मीरी, इंजन ठीक हुआ कि नहीं? What a macho man! Wah! Cena, my boy! What a kill! Got a lunch for everybody! Enjoy! ए कश्मीरी, तू इतना दुखी क्यों है? इस इंजन का PDM गया है, कुछ टूल्स होते तो कुछ कर भी लेता, लेकिन कुछ नहीं भाई, इट्स वेरी इजी। इस बोर्ड को उस बोर्ड से बांध दो और ये उसको टो करेगी। Sorted. अच्छा आइडिया ना सीधे। What? Why do you always have the most stupid ideas? अरे यार, तू मेरे से हमेशा क्यों लड़ती रहती है यार, क्रेजी जैनी। इसको पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है। सर जी, हाँ। एक रास्ता है। दादा, नहीं। झुंपा यहाँ से क्या तैर के जाएंगे? नहीं दादा। ठीक हुआ?
सर जी, इस इलाके में ना मधुकोश से मधु निकालने वाले का गांव है। अब इकट्ठा किए हुए हनी को ये लोग शहर तक पहुंचाने के लिए ना बोट्स का ही सहारा लेते हैं। उनके पास हमें वो स्पेयर पार्ट्स मिल जाएगा। कितना दूर है यहाँ से? मोटा मोटी 2-3 घंटा। ठीक है, चलो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? टाइड। शादी की रस्म है। इस बंधन में जुड़ने से पहले यहाँ की हर औरत को समझना पड़ता है कि यहाँ के सभी मर्दों का समय बहुत कठिनाइयों से बीत रहा है। इस बस्ती के हर दुल्हन के हाथ की मेहंदी ये मधुमक्खियां हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? दुल्हन वहां है, यहां पे नहीं। स्टॉप। दादा, ये गिरगिटी कौम है। इन्हें बॉन बीबी का आशीर्वाद है। ये जंगल में हवा की झोंके की तरह गुजरते हैं और भेस बदलकर कहीं भी छुप सकते हैं। आज तक बाघ भी कभी इनका शिकार नहीं कर पाए। ये जंगल के रक्षक हैं। आज शादी में आशीर्वाद देने आए हैं। अजीब लोग हैं। हाँ दीदी, और हथियार भी। हाँ देखो, बोल घुमा घुमा। We'll be right back.
ये क्या है मधु? दादा सुनी सुनाई बात है, लोग कहते हैं कि जिस तरह तानसेन के एक सुर से बारिश गिर पड़ती थी, उसी तरह जब सुंदरबन के टाइगर्स एक साथ जमा होते हैं तो एक ऐसी आवाज निकालते हैं। आवाज? हाँ, जिससे पूरी धरती पे तहलका मच जाता है और पानी भी आसमान की तरफ चढ़ने लगता है। यहाँ के मछुआरे इस कोहरे को पार करना अपशगुन मानते हैं। ये शुरुआत है कोर टेरिटरी की। आज तक जो भी इंसान इस कोर टेरिटरी में गया है, कभी वापस लौट कर नहीं आया। The wind is good. Let's get her up. Flying time 2 hours. Radio tuned to channel 6. Roger that, CJ. See you from the flip side! CJ, come on! बादल। Are you kidding me? No. सीजे, जंगली चिड़िया क्या उड़ रही है मेरी सोनिया? सीजे, तुम्हारी पोजीशन क्या है? कश्मीरी, my position is 36 degrees north and no sighting. Okay, copy that. Kashmiri, I see something. CJ? No! CJ, kya hua? No! CJ, are you okay? No! CJ, come in. CJ, come in. Yeah.
पंडित। तेरे को देखा तो सोचा जंगल में मंगल करेगा, लेकिन तूने तो जंगल में दंगल मचा दिया। You're messing with the wrong person. इधर। तुम्हें ये महंगा पड़ेगा। सीजे, तुम ठीक हो? हम ओके, नो स्वेट पंडित। इतने सारे लोग, इतने सारे हथियार, बाघ के शिकार पर आए हो तुम लोग? अरे मैं हूँ भीरा, सबसे बड़ा पोचारू यहाँ का। हाथ मिलाएगा क्या? तुझे तो भगवान से मिलाऊंगा। ए भीरा, ए इनको क्या अपने जैसा समझ रखा है? ये मुझे ए तो देख मार तक माशी दर्द बसी। सीजे कितनी दूर? कौन? 1000 yards। 100% फायदे का मौका है सर जी। Shut up। Pandit, there's three of them. अब कितनी दूर है? 600 yards. अब क्या करें? सारे बड़े एमिनेशन तो बोट पे, जितने हैं काफी हैं। वही इंटेलिजेंस और पावर अब तीन गुना। यहाँ पर वो लाइक सिटिंग डक्स। ओए सीजे, तू बहस ना कर, सही और गलत का फैसला पंडित करेगा। आने दे उन्हें, अब भी कुछ कम नहीं है। They're coming in fast. They're coming from behind. Positions. Kashmiri. अपनी बाजले बापे नाम। इधर पल्लाई पड़ लबरा सुबह मारे जबो भागो। भाग गए सारे गीदड़। लोकल हैं, पोचर हैं, टाइगर को मारना इनका पेशा है। हमारे हथियार और मौजूदगी के बावजूद उन्हें खतरा महसूस हुआ
Let's not be foolish, guys. Everybody, back to base. Yeah. Go. Copy that. Come on, let's go. All clear. Move, move! कुछ मदद नहीं कर पाओगे हम वापस टीम के साथ आते हैं दादा दादा मुझे जान दे बच्चों दादा 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 सीजे दादा मधु ये टाइगर्स मैनेजर्स कैसे बने इसके पीछे बहुत अलग अलग कहानी है सबसे बड़ा कारण लाशें कुछ लोग मानते हैं कि कई लाशें गंगा नदी में बहते बहते मड बैंक्स पे आ जाती और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि हर साल कई सारा लोग साइक्लोन से पानी में डूब के मर जाता और उनकी लाशें भी इन्हीं मड बैंक्स पे आती और बाघ को जब कभी शिकार नहीं मिलता है तो वो इन्हीं लाशों को खाता है कश्मीरी इंजन खराब हो गया
इसका इंजन गया। हीरो को मैसेज दे दो कि बोट खराब हो गई है। हीरो कम इन, हीरो कम इन, हीरो। सिग्नल में डिस्टर्बेंस यार। स्विच टू चैनल 9। चीना कम इन, चीना 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 कम इन। हेलो, करना कुछ अगर कर सकता है तो प्लीज ट्राई यार। देखता हूं अगर कोई टूल्स हो।
अभी मेरी बहन से पूछा कि उसे क्या पसंद है, और अगर लड़की हुई तो उसका नाम यार शाजिया रखना। अगर लड़की हुई तो उसका नाम सूफियाना रखूंगा। सूफियाना? छुटकी बेवा हो गई पंडित, उसका बच्चा पैदा होने से पहले यतीम हो गया। क्या कहूंगा अपनी बहन से? हाँ छुटकी, छुटकी मैंने ओमकार को बचाने की बहुत कोशिश की, ये कहूंगा कि वहां वो तीनों ओमकार को नोचते रहे और हम सब यहां हाथ में बंदूक के लिए सोचते रहे, सिर्फ सोचते रहे। मैं जानता हूं कि कहना आसान है और करना बहुत ही मुश्किल, लेकिन तेरी बहन को दिलासा तुझको ही देना है। दिलासा देना कैसे, कमबख्त यही तो नहीं पता। और ये भी तो नहीं कह सकता ना कि वो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया। सुंदरबन डायरीज डे 21। हम कब तक इस खूबसूरत वन को नोचते रहेंगे? इट इज ओनली इफ वी सरेंडर टू द अर्थ्स इंटेलिजेंस कुड वी राइज अप रूटेड लाइक द ट्रीज। पानी की सिर्फ 3 बोतलें। डैम इट, हथियार। डैम सर जी, मोने होचे हम लड़ नहीं पाएंगे सर जी। श्योति बोल जी, हमें बस लौट जाना चाहिए। शट अप मधु, यू ब्लडी सिविलियन। जब तक मैं उस टाइग्रेस को नहीं मार देता ना मैं यहां से जाऊंगा और ना ही मैं खुद मरूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? होश में काम करो पंडित। मधु जो कह रहा है वो गलत नहीं। झुंपा, मुझ पे क्या बीत रही है तुम नहीं समझ पाओगी, इसलिए चुप रहो तुम। क्या मैं नहीं समझ पाऊंगी? पंडित, तुम्हारा तो सिर्फ भाई मरा है। यहां के टाइगर्स ने तो मेरे बाबा और भाई दोनों को खत्म कर डाला। मैं नहीं समझूंगी? समझ तो तुम नहीं रहे हो पंडित। ये तुम्हारे लोग मरे हैं तुम्हारी वजह से। ना तुम अपनी भाई की मौत का बदला चाहते, ना तुम इन लोगों को यहां बुलाते, और ना ही कश्मीरी सीजे की जान जाती। अब भी वक्त है, भूल जाओ तुम्हारा। झुंपा, तुम निस्सहाय थी, तुम निहत्थी थी, और तुम में बदले की भावना नहीं थी। यही तो फर्क है इंसान और जानवर में। तुम्हारे पास जुबान है, बोल सकते हो,
पूछ सकते हो, वो बागन क्या करती? उसे तो सिर्फ इतना ही समझ में आया था ना कि उदय उसके बच्चे को उससे अलग करके अपने साथ ले गया, और इसीलिए उस माँ ने अपने बच्चे की खातिर। मेरा फैसला अटल है, उस टाइग्रेस को मारे बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। कैसे? तुम तो उसे नहीं देख पा रहे, लेकिन वो तुम्हें देख रही है। तुम तो उसका शिकार नहीं कर पाए, लेकिन उसने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया है। पंडित, अब तो शिकारी खुद शिकार बन चुका है। सही कहा तुमने, हम उसे नहीं देख पा रहे लेकिन वो हमें देख रही है। हम उसका शिकार नहीं कर पा रहे पर उसने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। गाइस, आई गॉट अ प्लान। जहां पे उम्मीद सबसे कम थी उसने हम पे वहीं पे हमला किया। इससे पहले हम कुछ कर पाते, उस पर अटैक कर पाते, वो उसके नाल में कूद के बच निकली। सुंदरबन की केनाल उसकी सबसे बड़ी ताकत है और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, और हमें इस कमजोरी को ताकत में बदलना है। इस पर शिकारी शिकार करेगा। हीरो, तुम मधु और झुंपा के साथ बोट पर तैयार रहना, क्योंकि अगर इस बार भी वो स्ट्रैप से बच निकलने में कामयाब हुई तो वो केनाल की तरफ आएगी। जस्ट शूट एट साइट। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो टाइग्रेस हम पे हमला करने आएगी? क्योंकि इस बार कोई इंसान नहीं, उसके जज्बात उसका बेट बने। लेकिन कैसे? ए जंपिंग झुंपा। हाँ, तेरी कोई बहन है क्या? नहीं।
हूं। तेजी से उतर रहा है। अगर इस वक्त हम यहाँ से निकलकर बड़े कनाल में नहीं गए तो 6 घंटे के लिए हम यहीं। Okay, everybody on the boat now. फंस गई पूरी तरह। पंडित, मैं ट्राई करूं। सुंदरबन में खारे पानी के सबसे बड़े मगरमच्छ होते हैं। पता नहीं या किसी ने बताया नहीं। सूफी, हाउ इज ही डूइंग? आखिरी मॉर्फिन का इंजेक्शन था, इससे दर्द कम होगा इसका, लेकिन
इसका इलाज जल्दी नहीं हुआ तो बाघिन अभी भी इसी इलाके में घूम रही है पंडित। सोच लो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा उसे मारने को। मधु, तुम इतने कम पानी में बोट चला लोगे? ट्राई कर सकता है दादा, ये धीरे धीरे छोटा कैनाल क्रॉस हो गया ना तो आगे बड़ा कैनाल आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ट्राई करेगा ना। ओके गो। हाँ। थोड़ा हेल्प आजा। नहीं 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 ओए मधु संभल। उड़ी पापा क्या हुआ? अटकी सचिव, मेरा डीजल पी गया, सारा डीजल पी गया। पंडित अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? यहाँ से बाहर निकलने का और कोई रास्ता है? हाँ देखो, अब हमें जंगल को पार करके बड़ी नदी तक पहुंचना होगा। वहां से हमें कोई मच्छीमार की नाव मिल सकती है। लेकिन याद रखो, हम इस वक्त बाघ के इलाके में हैं। यहां के हर मोड़ पर खतरा है। पंडित तुम लीडर अच्छे हो, वापस जाने का सोचा सही किया, वेरी गुड। लेकिन ये लड़की तुम्हें जिस दिशा में ले जाएगी गलत है, नॉट गुड। इंतजार किस चीज का कर रहे हैं हम? जुपा तुम रास्ता बताओ। हाँ। गाइस लेट्स गो, लेट्स गो। सूफी गन कुछ मदद करो। नहीं, 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 नहीं। चल सूफी ध्यान से चलो। कीप मूविंग जीना। क्या हुआ? क्या हुआ? सूफी, पानी, पानी। सूफी, पानी दे। यहाँ पे कहीं पानी मिलेगा? सिर्फ खारा पानी। सुंदरवन में वही जिंदा रह सकता है जिसे खारे पानी की आदत हो। पंडित पंडित हमें जल्दी चलना चाहिए। ओके लेट्स गो गाइस। व्हिच वे? लेट्स गो, मूव मूव। सूफी सब आ गए। बैठा, पैर सीधा रख। सूफी आराम से। हीरो रिलैक्स, हीरो सांस ले, ब्रीद। डैमिट, पंडित इसका बहुत खून बह चुका है।
इसे बहुत जल्दी यहां से निकालना पड़ेगा। सूफी, कम से कम इसे पानी पिलाओ। पंडित, लेट्स कैरी ऑन, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस जंगल यार। हीरो, हीरो, मैं भी बहुत थक चुका हूँ, थोड़ी देर रुक जाते हैं। Are you sure? Yeah. You sure, पंडित? Yeah. ओए हीरो, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तुझे। झुंपा, और कितनी दूर जाना है? इस इलाके को अच्छी तरह नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर हम दक्षिण दिशा में जाएंगे तो थोड़ी देर में बड़ी नदी मिल ही जाएगी। तुम्हें पक्का मालूम है? नहीं दादा, इनको मारना सबसे बड़ी गलती होगी। ये जोड़ी के सांप हैं, साल में एक बार यहाँ इकट्ठा होते हैं। इस दौरान वो अपने साथी को खोजते हैं और उनका मिलन होता है। अगर हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। बिना किसी चीज को छेड़े यहां से जल्दी चलना चाहिए। पंडित, हीरा के बैग में ये। अभी नहीं सूफी, और हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। चलो चलो हीरा, चीरा आजा, लेट्स गो।
सुफी, रुक। सुफी, 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 सुफी। नहीं, तेरे पास नहीं है। झुम्पा, पुरानी औरत की तरह मुंह बना के क्यों खड़ी है? अरे इसमें तेरी गलती थोड़ी है, अरे तुझे थोड़े ही पता था कि ये रास्ता गलत है, बोल, अरे तुझे थोड़े ही पता था कि सूफी साहब मर जाएगा? नहीं पता था ना? पंडित, बोला था ना, सुंदरबन मिशन में दिल की सुनना नॉट गुड, दिमाग का सुनना वेरी वेरी गुड। चुपा, यहां से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। चुप, चुपा, यहां से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। चुपा, 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 होश में आओ, यहां से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। मैं कैसे, कैसे? ऐसा तो कभी नहीं होता। क्या? सब मेरी वजह से। कैसी बातें कर रही हो चुंपा? सब तुम्हारी कोई गलती नहीं है चुंपा। चुंपा ये बातें बाद में करेंगे, पहले ये बताओ यहां से बाहर कैसे निकलें। चुंपा प्लीज। पंडित, उसे कुछ पता नहीं है जंगल के बारे में, किसी को कुछ पता नहीं इस जंगल के बारे में। मुझे पता है, एक रास्ता है यहां से जिंदा निकलने का, और वो मुझे पता है। पंडित, पंडित, हम सबसे ज्यादा वीरा जंगल के बारे में जानता है, हमें उसकी सुननी चाहिए। सर जी, ये वीरा सही आदमी नहीं है। सर जी, सर जी, इस पे विश्वास करना गलत होगा। सर जी, सर जी, सांप से भी ज्यादा खतरनाक है, हम सबको डस जाएगा। सर जी, शोधती बोल चिक्का सा। ए चिरकुट, तो कब बरम कर चुना हो? भीरा, बहुत हो गया। चीना, तुम्हारी गन में कितना एमओ है? खाली। पिस्टल? ये भी खाली है। हीरो, भीरा, अगर इस बार तुमने कोई होशियारी की ना, तो तेरी मुलाकात मैं इस 9 mm की 12 गोलियों से करवाऊंगा। और वो मीटिंग 3.5 सेकंड में खत्म हो जाएगी। Let's move. मधु, उठो, चल। वीरा में कहाँ लेके जा रहा है? वीरा कहाँ गया? अभी तो था यहाँ। वीरा, वीरा,
वीरा। ओए वीरा, तू हमारे साथ क्या आंख में चोली खेलने के लिए आई यहाँ पे? वीरा, बकवास बंद कर और रास्ता बता। तो चलो ना, आप लोग चलो, सामने है बड़ी नदी, चलो। वीरा कहाँ गया? गया, भाग गया साला। सर जी, गोलबन सर जी, सर जी। चिरा, कीप मूविंग, चलो। दादा इंजन, सर जी इंजन सर, बड़ा कैनाल इधर ही है सर जी, जल्दी जल्दी ताड़ा ताड़ी, जल्दी जल्दी दादा, दादा बोट, चलो 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 चलो। चुपा, ये क्या देख रही है? बीरा हमें मौत के कुएं में लाया है। इस वक्त हम बाघ के घर में हैं। सर जी, अभी भी स्ट्रॉलर का आवाज आ रहा है, बड़ा कनाल दूर नहीं, हम पहुंच जाएंगे सर जी, नहीं तो पंडित हम सब कसम मारे जाएंगे। लेट्स गो, चलो पंडित, चल 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 चल, चुपा चल।
पंडित, पंडित उठ, पंडित पंडित आर यू ओके, उठ चावाश, हीरो हीरो हीरो, तुमने हमसे झूठ बोला, तू जानबूझ के हमको यहां लेके आया मरवाने के लिए, छोड़िए। बाघ के शिकार पर तो तुम लोग आए थे, तुम लोग, और जब मैंने पहली बार बोला हाथ मिला लो तो मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अरे क्यों नहीं सुनी मेरी बात? हीरा अब कान खोल कर सुन लो पंडित, यहां से निकलने का एक रास्ता हमेशा के लिए था, है और रहेगा, और वो इस बाघिन को मारकर, इस बाघिन को मारकर। सर जी ट्रॉलर जा रहा है और ये पकड़ ले, इसे पकड़ो और खत्म करो इसे, अपना मिशन पूरा करो और फोटो खींचो और वापस लौट जाओ अपने शहर में अपनी जिंदगी बिताने। चीना तुम इन सबको लेके जाओ, मधु रास्ता दिखाओ। हाँ। झुंपा नहीं दादा, मैं तुम्हें ट्रॉलर में मिलता हूं, चल मध्या। मारिसे, इसने तेरे लोगों को चुन चुन करके मारा, एक एक का हिसाब लेना। मार डाल पंडित इस बाघिन को। ओ हीरो, हीरो थोड़ी हिम्मत कर यार, चल उठ। चीना तू ही तो कहता था मुझे मरने के वास्ते जंगल में छोड़ जाए। चीना चीना मेरे यार जा, चीना जा। हीरो 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 नहीं। मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारी मौत टाइगर के जबड़ों में नहीं होगी।
एक एक का हिसाब लेना पंडित। फिर तो उसकी लाश। बहुत पहले भी से इसने तेरे लोगों को चुन चुन के मारा है। मार डाल इसे, मार डाल, मार इसे। तो यार पंडित तेरा जानता तेरा। मैं इसको भी। वीरा, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किसने बोला था सुंदरबन में आके दखल अंदाजी करो? सुंदरबन बाघ का घर है। उदय के घर वो अपने बच्चे को ढूंढते हुए पहुंची थी। मैं एक माँ को बचाना चाहती हूँ और तुम एक माँ को मारना चाहते हो। अपने लक्ष्य को पाकर क्या तुम खुश हो जाओगे? निर्दोष की जान लेना किसी इंसान का लक्ष्य नहीं होता। पहले भी एक बार जाल में फंसाया था इसको, लेकिन एक अनजान फोटोग्राफर ने इसको जाल से छुड़ाया और इस बाघिन को मारने का मौका हाथ से निकल गया। मार। इसका अंजाम तो कुत्ते की मौत से भी बदतर होना चाहिए। के बच्चे को छोड़ दिया तो हमारे पास यहां से बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत सता लिया हमने इस मां बच्चे को। सुंदरबन डायरीज डे 15। यहां के सारे टाइगर्स मैन ईटर्स नहीं होते। वो तो किसी भी इंसान की तरह अपने परिवार और अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस धरती पे इंसान के अलावा पशु पक्षी और जानवरों का भी हक है। कितनी अजीब सी बात है ना। आग तो हमने बनाई, पड़ोसी का घर भी तो हमने ही जलाया। खून की प्यास इंसान से बढ़कर किसी को नहीं। और मैन ईटर्स का टाइटल हमने बेचारे इस टाइगर को दे दिया। लेकिन वो पहले वाले टाइगर कब का क्या हुआ? Yeah.